आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, अगर कोई सेल है, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ प्लस माइनस ईएमएफ 2 है, दैट इज ईएमएफ। इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, दैट इज 0.1 ओम ऑलरेडी दिया हुआ है। दिस इज द ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज गिवन, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया, जो कि 3.9 ओम है, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द सेल, अब जो है वोल्टेज अक्रॉस द सेल पूछ रहा है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेल। दिस पॉइंट, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेल, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज वी। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट वी अननोन, इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल, इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो बच्चों हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी कैलकुलेशन हमको करना है। अभी जो है सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट हुआ है, तो ये करंट आई इस सर्किट में सेंड कर रहा होगा ऐसे, दिस इज करंट आई। तो वी ऑलरेडी नो द रिलेशन, हमें पहले से पता है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड वी के बीच हमें रिलेशन पता है। When cell is discharging हो रहा ना, discharging, अभी cell क्या हो रहा है, discharge हो रहा है, तो cell is discharging, so V is equal to must be EMF minus IR। We already know this relation, हम सबको पता है पहले से ही। V पूछ रहा है EMF, E की value 2 है, minus current E value पता नहीं है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ऑलरेडी है। सो लेट अस कैलकुलेट आई, करंट, करंट इन दिस सर्किट, करंट आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस नेट। दिस इज द मेथड हाउ टू कैलकुलेट द करंट। नेट ईएमएफ हाउ मच, नेट ईएमएफ इज 2, नेट रेजिस्टेंस 3.9 और प्लस 0.1, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस, दैट इज फाइनली वी गेट 2 इज इक्वल टू 3.3 4, that is 1.2 ampere. This is the current, that is current is equal to, यहाँ से current is equal to 0.5 ampere, that is actually the current flowing in this circuit. So now put this value 0.5 ampere, that is 2 minus 0.5 or multiplied by 0.1, that is 2 minus 0.05, that is 1.95 वोल्ट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। ऑब्वियसली जो पोटेंशियल ई एम एफ इज ग्रेटर देन वी, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, सो ई एम एफ इज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज ए ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों।